आश्चर्य है इस छोटे से बालक ने वृक्षासुर और चक्रासुर को मारा, सूर्य को निगल लिया, पंचवन को परास्त किया, लावा पी गया। कितनी भी वरदानी शक्तियों के स्वामी हो तुम वानर, किंतु मेरा ये सुरक्षा कवच अभेद है। नर और वानर के लिए इसके रहते मेरा अहित कोई नहीं कर सकता। ओहो, अब आप बताइए ना, आप कौन हैं? मुझे क्यों रोक रहे थे आप? शीघ्र बताइए, मेरे पास समय बहुत ही कम है। आप वैसे तो किसी ग्रह के देवता लगते नहीं, किंतु माथे पर चंदन का त्रिपुंड टीका, इससे तो लगता है आप शिव जी के भक्त हैं, है ना? मैं भी शिव जी की पूजा करता हूँ। मैं शिव जी का सबसे बड़ा, सबसे महान भक्त हूँ। अनेकों वरदान प्राप्त किए हैं मैंने, सुना है तुम्हें भी देवताओं ने अनेकों वरदान दिए हैं, और मृत्यु के पश्चात भी तुम जीवित हो उठे। आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, किंतु अपने बारे में भी तो बताइए। क्या नाम है आपका? यहाँ आप अंतरिक्ष में क्यों आए हैं? कदाचित आपको ज्ञात नहीं है, किसी दुष्ट राक्षस की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उसने समस्त ग्रहों की स्थिति बदलकर संसार में प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर दी है। देखें, मैं ग्रहों को मुक्त करा रहा हूँ। अब मात्र दो ग्रह हैं शेष मुक्त कराने के लिए। आप अपना नाम भले ही ना बताइए, तो यदि आप मेरी सहायता करने आए हैं तो समय व्यर्थ मत कीजिए, शीघ्र चलिए ग्रहों को मुक्त कराने। ओहो, आप विलंब कर रहे हैं। यदि आप नहीं चलना चाहते तो कोई बात नहीं, आप शिव जी के भक्त हैं, मुझसे बड़े हैं, मुझे आशीर्वाद देकर जाने की आज्ञा दीजिए। अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम। आशीर्वाद चाहिए? ये ले आशीर्वाद। शिव जी के भक्त, आपने तो बड़ा ही प्रभावशाली आशीर्वाद दिया है, अब तो मेरी सफलता ही होगी। अब मैं जा रहा हूँ सारे ग्रहों को मुक्त कराने। अब क्या हुआ? मूर्ख वानर, पहले ग्रहों के साथ मुझ महाकाल से तो भेंट कर ले, जिसने ग्रहों की ये दुर्दशा की है। यावन,
इस रावण को मैंने ही प्रलय की विनाश लीला आरंभ की है और प्रलय आएगी कोई नहीं रोक पाएगा इसे क्योंकि रावण जो एक बार कहता है वो सृष्टि को करना ही पड़ता है। अब इस संसार को तुम तो क्या कोई भी प्रलय से नहीं बचा पाएगा। संसार का अंत सबका अंत तुम्हारा भी अंत होगा वानर। अरे रावण जी, संसार ने क्या अहित किया है आपका जो आप सबका अंत करने चले हैं? इसी संसार में कहीं छुपा बैठा है वो नर रूप में नारायण, उसी के नाश के लिए हो रही है ये विनाश लीला। मैं ग्रहों की स्थिति सुधार दूंगा, किसी का भी अंत नहीं होने दूंगा। इस संसार से पहले मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा वानर। रोकने का प्रयास मत कीजिए आप मूर्ख वानर। रावण है हम, रावण जहाँ हम जाता है वहाँ थम जाते हैं सारे रास्ते, थम जाता है सबकी नसों में बहता हुआ रक्त। समझे शिव जी के छोटे से भक्त। ओह रावण जी, मुझे विलंब हो रहा है, मैं इधर से निकल जाता हूँ। अल्प बुद्धि वानर, तुम अभी तक नहीं समझ पाए कि हम तुम्हें ही रोकने यहाँ आए हैं। ओहो, सखा, ये रावण जी ऐसे नहीं मानेंगे। तुम्हारा रक्षा कवच, तुम्हें प्रेरणा और संस्कार देने वाली तुम्हारी माँ अंजना, मैंने ही षड्यंत्र रच के उन्हें तुमसे दूर स्वर्ग पहुंचा दिया। अब क्या करोगे बोलो तुच्छ वानर बालक? ना तो तुम अपनी मां जिना को बचा पाओगे, ना अपने प्रिय सुमेरु को। महाप्रलय भी निकट है, क्या करोगे तुच्छ वानर बालक हनुमान? महाराज, महाराज, समाचार मिला है कि लंका के राजा रावण के आदेश पर पृथ्वी पर सैकड़ों राक्षस फैल गए हैं और प्रलय के बाद जो राज्य बच गए हैं वहाँ मार काट मचा रहे हैं। इसका अर्थ है कि सुमेरु पर भी राक्षसों का आक्रमण हो सकता है। मंत्री जी, सभी सैनिकों से कहिए कि अपने अस्त्र शस्त्र से सज्जित रहें और चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दें। जी महाराज। जाइए। अंजना, सुमेरु में बार बार राक्षसों को पराजय का सामना करना पड़ रहा है, इस बार वो अधिक शक्ति से प्रहार करेंगे, जिसके लिए मुझे हनुमान की वो दिव्य गदा चाहिए।
जो मैंने उसे उपहार में दी थी। मुझे वो गदा ला दो। अब क्या करूं? मुझे तो हनुमान ने किसी दिव्य गदा के बारे में बताया ही नहीं। क्या सोच रही हो अंजना? मुझे वो गदा ला कर दो। गदा लाती हूं। अब मैं कहां से लाऊं दिव्य गदा? न जाने कहां रखी होगी। अवश्य ही नानी ने सब बता दिया है केसरी को। अब क्या करूं मैं? केसरी अवश्य ही मेरा वध कर देंगे। हनुमान यहाँ होता तो वो ही मुझे बचा सकता था, किंतु अभी तो हनुमान भी न जाने किन आपदाओं में उलझा होगा। उसके समक्ष तो न जाने कितने बड़े बड़े संकट मुंह बाए खड़े होंगे। माँ कभी मुझसे दूर नहीं हुई है और आज भी वो मेरे साथ ही है। मेरे हृदय में उन्हीं के आशीर्वाद से मैं इस प्रलय को रोकूंगा। मेरे मार्ग को कोई नहीं रोक पाएगा। आप भी नहीं रावण। अब मैं तुझे दिखाऊंगा भुज बल क्या होता है। अब ना ही देवताओं के वरदान काम आएंगे, ना ही तुम्हारी माँ का आशीर्वाद तुम्हें बचा पाएगा, और ना ही किसी अन्य ग्रह को तुम मुक्त करा पाओगे, क्योंकि अब स्वयं तुम्हारी मुक्ति होना असंभव है। रावण है हम। अब ये क्या करने वाले हैं? तुच्छ वानर, देखा रावण का बल? बल से रावण ने कैलाश पर्वत को तक हिला दिया था, और अब इसी बल से रावण तुझे भी मसल कर रख देगा हनुमान। अब तेरा क्या होगा हनुमान? देवताओं के वरदान भी अब तेरे कुछ काम नहीं आएंगे। कितना भी प्रयास कर ले, परंतु
यहाँ से बच कर नहीं जा पाएगा वानर बालक। अब तुम ग्रह को ठीक नहीं कर पाओगे वानर, प्रलय होगी और उसी के साथ सब कुछ समाप्त हो जाएगा, नर और वानर का भी अंत हो जाएगा, सारे संसार का अंत हो जाएगा। किंतु रावण जी, संसार ने तो आपका कोई अहित नहीं किया है। इसी संसार में नर अवतार धारण करके छुप कर पल रहा है वो छलिया विष्णु। आहा, उस धूर्त विष्णु का नाम सुनकर तुझे क्रोध आ रहा है, अवश्य ही तेरा उस विष्णु के साथ कोई संबंध है। तेरा तो क्रोध और अधिक होता जा रहा है उस पाखंडी विष्णु का नाम सुनकर। तेरा तो क्रोध और बढ़ गया हाँ? उस छलिया विष्णु का नाम सुनकर। अरे ओ, मैं तो भयभीत हो गया तेरा क्रोध देखकर हनुमान। माया भी है तेरा विष्णु, कपटी है तेरा विष्णु, छुप कर मार करने वाला कायर है तेरा विष्णु। स्वयं को भगवान कहने वाला ढोंगी है तेरा विष्णु। झूठा घमंडी है तेरा विष्णु। कैसा क्रोध आ रहा है तुझे हनुमान, सुन, प्रलय में उस दुराचारी विष्णु के नर अवतार का भी अंत हो जाएगा। बस रावण, अपनी माया से रावण को भयभीत करना चाहता है। अब रावण की शक्ति देख, रावण है हम। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.